टी20 विश्व कप 2021 में टीम इंडिया अपने दो शुरुआती मुकाबले हार चुकी है। हालांकि अभी टीम को 3 और मैच खेलने हैं। भारतीय टीम को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से शिकस्त मिली है, वहीं अभी अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना बाकी है। लेकिन विश्व कप 2021 में जिस तरह का फॉर्मेट है, उससे लग रहा है कि टीम इंडिया का सफर अब खत्म हो गया है। भारतीय टीम विश्व कप के दूसरे ग्रुप में है। पाकिस्तान 3 मैच जीतकर इस वक्त सबसे ऊपर है, वहीं न्यूजीलैंड ने भी अपना 1 मैच जीत लिया है। टीम इंडिया हालांकि अभी बाहर तो नहीं हुई है, लेकिन अब रास्ता बहुत कठिन हो गया है। टीम इंडिया का भाग्य अब उसके हाथ में नहीं है, बल्कि दूसरी टीमों को भी भारत के मुताबिक प्रदर्शन करना होगा, जो अब असंभव टाइप का मामला लग रहा है। आज इसी पर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आगे बढ़े, हमारे चैनल एन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करना कतई मत भूलिएगा। भारतीय टीम के लिए यह किसी बड़े अपमान से कम नहीं है कि टीम इंडिया को अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद न्यूजीलैंड से भी भारतीय टीम 8 विकेट से हारी है। 2 मैच खेलने के बाद भारतीय टीम के लिए केवल जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जो 2 विकेट लेने में कामयाब हो पाए हैं। बाकी किसी भी बॉलर को 1 भी विकेट नसीब नहीं हुआ है। हालत यह है कि टीम इंडिया अपने ग्रुप में इस वक्त अफगानिस्तान और नामीबिया जैसी टीमों से भी नीचे संघर्ष कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की टीम 6 अंकों के साथ पहले नंबर पर है, अफगानिस्तान की टीम 4 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है, न्यूजीलैंड की टीम 2 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है, नामीबिया की टीम 2 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है और इसके बाद 0 अंक लेकर भारतीय टीम है। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम को अब सबसे अधिक संभावना अपने बचे हुए 3 मुकाबलों से है, जिसमें उसका मैच अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया से होने वाला है। टीम इंडिया को अब अपने सभी मैच हर हालत में जीतने होंगे। इसके बाद ही यह उम्मीद है कि अन्य परिणाम और नेट रन रेट समीकरण उसके प्रदर्शन में सुधार करेगा। कप्तान विराट कोहली इस टी20 विश्व कप के बाद टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ रहे हैं, हालांकि वे टी20 की ही कप्तानी छोड़ेंगे। मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि हमारे पास बचाव के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जब हम मैदान पर उतरे तो हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। विराट कोहली ने कहा कि जब आप भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं तो आपको बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, न केवल प्रशंसकों से बल्कि खिलाड़ियों से भी। इसलिए हमारे खेल पर हमेशा अधिक दबाव होता है और हमने इतने वर्षों से इसे अपनाया है। कप्तान विराट कोहली ने कहा कि जो भी भारत के लिए खेलता है उसे इसका सामना करना पड़ता है। जब आप एक टीम के रूप में इसका सामना करते हैं तो आप इससे उबर जाते हैं और हमने इसे इन 2 मैचों में नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि आप भारतीय टीम हैं और उम्मीदें हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अलग तरह से खेलना शुरू कर सकते हैं।